everyone, welcome to Gyan Achievers. I'm Shalini Sharma in front of you and how are you? I hope you all are doing well. तो हम लीडरशिप के स्टाइल्स कर रहे थे, तो हमारा लास्ट स्टाइल रिमेनिंग रहा है, दैट इज मैनेजर ग्रिड. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% वन क्वेश्चन आपका आता ही आता है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैनेजर ग्रिड को किसने स्टार्ट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था. तो वो है रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटन ने किया था इन 1964 के अंदर. तो इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है, उस बुक जो फर्स्ट अपनी मैनेजर ग्रिड के लिए बुक पब्लिश की, उसका नेम है द मैनेजर ग्रिड. फिर हाइफन पूरी बुक का नाम है द की टू लीडरशिप एक्सीलेंस. लीडरशिप स्टाइल को एक्सीलेंट बनाने के लिए उन्होंने एक मैनेजर ग्रिड नाम का कॉन्सेप्ट दिया था. वो किसने दिया था, नेम शॉर्ट में आ जाता ब्लेक एंड माउंटन. ओके, और ये जो मैट्रिक्स है वो होता है 9x9 मैट्रिक्स होता है. 9x9 ये डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को मेंशन करता है. तो इट मींस 9x9 कितने स्टाइल्स कर दिए इन्होंने, 81 लीडरशिप स्टाइल्स को मेंशन किया है. बट इस 81 स्टाइल्स में से ओनली 5 स्टाइल्स आर मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो दीज आर 1x9, 9x9, 1x1, 9x1 एंड 5x5. तो बच्चे ये जो लीडरशिप स्टाइल है, जो मैनेजर ग्रिड है, वो आपका टू मेन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. दीज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. ओके, इट मींस कंसर्न फॉर पीपल किससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है. कि ये आप फॉलोअर्स के साथ लीडर किस तरह का रिलेशनशिप रखता है उसके बारे में बात करते हैं. फ्रेंडली है, ऑटोक्रेटिक रहता है, अथॉरिटेटिव है, तो उसके बारे में डिस्कस होगा. एंड सेकंड वन है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, मेन टास्क को देखते हैं. इट मींस इट इज टास्क ओरिएंटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पॉइंट को प्लीज कंसिडर कीजिएगा. अब जो कंसर्न फॉर पीपल है वो आपका मेंशन होता है एक्स एक्सिस पे, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है जो आपका वाई एक्सिस पे मेंशन होता है. आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. मेनली मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि 9x9 81 पोजीशंस है, बट जो 5 है वो आपकी मोस्ट फेमस है. तो प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ इसकी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में. ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में ये समझाती हूँ. देखो, आपको इसके अंदर क्रैम करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ये बिल्कुल इजीली एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दीजिए. आप इसके अंदर आपने क्या करना है, एक एक्स एक्सिस लेना है, एक वाई एक्सिस. ये आपका हो गया है x और ये हो गया है y एक्सिस. हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये लीजिए इधर 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सा है, 9x9 का मैट्रिक्स है. ओके, तो अब हमने क्या लेना है, यहाँ 1x9, इट मींस 1 ये हो गया और 9 हमारा ये. एक ये वाला मैट्रिक्स लेके चलेंगे, एक 1x1 का मैट्रिक्स लेके चलेंगे, एक 9x1 का मैट्रिक्स. तो 9 हमारा प्रोडक्शन हो गया, 1 हमारा पीपल हो गया. एक 9x9 means people भी 9 और production भी 9, तो 9x9 और mid का लेके चलेंगे 5 ही यहाँ और 5 ही यहाँ. तो एक हमारा leadership style हो जाएगा 5x5 का. I hope इस तरह से आपको learn करने की जरूरत नहीं है कि ये 1 है, ये 9 है. ये हमने x axis y axis हम अपनी starting classes से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये आपको कुछ भी इसमें cram नहीं करना है, आप simply इस points को रिवाइज कर लीजिए. ओके, क्लियर है. अब आपने नेम क्या ध्यान रखना है, इनके नेम्स ध्यान रखने हैं कि जो 1x9 मींस ये वाली जो पोजीशन हुई, इसमें 1 क्या है हमारा प्रोडक्शन और 9 यहाँ पे हम लेते हैं कंसर्न फॉर पीपल.
कंसर्न फॉर पीपल, और यहाँ पे लेके चलते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मीन्स एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल और वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को लेकर चलेंगे, ठीक है। ये चीज सारी, ये वाली मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि आपके लिए माइंड में बिल्कुल भी क्रैमिंग पावर ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब 1:9 है तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीपल तो क्या है, सिर्फ पीपल तो क्या पहुंच गए हमारे 9 तक पहुंच गए, और जो कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। क्लियर है आपको? हाँ, जो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 क्या है और 9 क्या है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो 1 है, 1 कहाँ आ रहा है, कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, और 9 क्या है, कंसर्न फॉर पीपल है। मींस हमने पहले कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लेके चलनी है और बाद में हमने कंसर्न फॉर पीपल लेके चलना है। क्लियर है आपको? तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं 1:1 की, विच यस लेट्स कंटिन्यू, कि वही सेम है कि जो फर्स्ट है वो तो है हमारा प्रोडक्शन को पॉइंट को शो कर रहा है, और जो सेकंड है 9 वो शो कर रहा है कंसर्न फॉर पीपल को, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। तो अब बात आ रही है कि 1 और 9, इसका एक अदर नेम है, उसको हम बोल देते हैं कंट्री क्लब लीडर, एंड सेकंड वन है अकोमोडेटिंग मैनेजमेंट लीडर, ठीक है। तो आप कई बार क्या होता है नेट के एग्जाम्स के अंदर आपको मैनेजर ग्रिड ना पूछ के पूछ लिया जाता है कि अकोमोडेटिंग मैनेजमेंट लीडर के क्या फीचर्स हैं, तो वो आपको अगर इसका नेम मालूम होगा तो ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली है हमारा 1। अब 1 क्या है, हमने बताया कि प्रोडक्शन इसके अंदर 1 है, इट मीन्स प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन 9 क्या है, पीपल है। तो पीपल कौन क्या शो कर रहा था, रिलेशनशिप को शो कर रहा था, इट मींस जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। लेकिन क्या सिर्फ फ्रेंडली होने से काम चल जाएगा, रिलेशन तो आपका लीडर के लीडर और फॉलोअर्स का बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन तो क्या है, ओनली 1 है, तो प्रोडक्शन आपकी इधर अच्छी नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका हमारा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तो लीडर इज टू फ्रेंडली, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लीडर्स आर टू फ्रेंडली, और इसके अंदर आप लिख लीजिए कि ये हाईली कंसर्न्ड है पीपल के लिए, बट इसके अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा रिलैक्सफुल है। जब लीडर फॉलोअर्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है तो इसका मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट तो क्या हो गया, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, बिल्कुल डाउन है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रह पाएगी, नहीं, नेवर। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो सफर कर दी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। क्लियर हो गए आपको 1 और 9 पॉइंट। सेकंड वन है 1:1। 1:1 के अंदर क्या है कि आपका कंसर्न फॉर पीपल भी 1 है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 1 है, इट मींस इट इज नॉट इफेक्टिव वे ऑफ लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि ना तो जो लीडर है वो पीपल के साथ कंसर्न कर पा रहे हैं, ना तो उनके साथ फ्रेंडली बिहेव है, और ना ही प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, ना ही प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी हाई है, दोनों ही पॉइंट्स आपके वीक आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्टली इनइफेक्टिव वे है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजर ग्रिड के अंदर मोस्टली इनइफेक्टिव वे कौन सा है, तो वो हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो लीडर अपना प्रॉपर अपनी जॉब कर पा रहा है, ना कंसर्न फॉर उसका पीपल के लिए है, डायरेक्शन की भी कमी है, कंट्रोल की भी कमी है, इट मींस जो रिजल्ट्स हैं वो डिससेटिस्फेक्शन, डिसऑर्गेनाइजेशन और डिसहार्मनी वाले हैं। क्लियर हो गया? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ आ गए ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट वन है 5:5। 5:5 का मतलब क्या है कि दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड है ये वे। आप कहोगे अगर बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, इट मींस ये क्या है, ये पीपल के साथ भी टू गुड है, प्रोडक्शन के साथ टू गुड नहीं है, बैलेंस्ड है, पीपल के साथ भी बैलेंस्ड है, प्रोडक्शन के साथ भी बैलेंस्ड है।
अगर मैं आपको आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं आपकी पॉजिटिव हो जाती हूँ, नेक्स्ट किसी पर्सन की बात करती हूँ उसके साथ पॉजिटिव रहती हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आप एक ड्रॉबैक लेके चल रहे हैं। इट मींस आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं नेचर के अंदर, ठीक है, डिप्लोमेटिक है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। और जब कोई लीडर प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फर्म लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इट मींस डिप्लोमेटिक स्टाइल बन जाता है इसके अंदर हम, ठीक है, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू हो रही है, मार्केट के अंदर सरवाइव कर रही है, लेकिन वो आगे फ्यूचर में नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप ना तो प्रोडक्शन को हाई कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप पीपल के लिए यहाँ पे कंसर्न्ड हो, ठीक है, पीपल जहाँ पे जितना काम करना चाहते हैं आप उनके साथ कहते हो कि ओके, आप उनको एनवायरमेंट रिलैक्स दे देते हो, और मार्केट में सरवाइव करने के लिए आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या ओनली सरवाइव से आपका काम चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में लेके जाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लिए भी ये वाला जो स्टाइल है वो बेस्ट नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट वन है 9:1। ओके, तो 9:1 इसको हम बोल देते हैं दिस इज द मिडल ऑफ द रोड। इस स्टाइल को आप बोल दोगे कि मिडल ऑफ द रोड। और एक पॉइंट और है, वो भी आप लिख लीजिए, स्टेटस क्यों मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्टेटस क्यों मैनेजमेंट। तो स्टेटस क्यों मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, मैनेजर ग्रिड का ही एक पॉइंट है जो कि 5:5 है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है यहाँ पे 1:9। बच्चे 1:9 हो गए, 9:1 लेके चलते हैं। 9:1, 9 क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन। और 1 क्या है? कंसर्न फॉर पीपल है। पहले तो इसके अदर नेम्स देख लीजिए, नेम्स है टास्क, प्रोड्यूसर, पैरिश लीडर। ओके, सेकंड वन है अथॉरिटी एंड कंप्लाइंस लीडर, एंड नेक्स्ट वन है डिक्टेटरियल मैनेजमेंट लीडर। इसके अंदर अथॉरिटेटिव है ये, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत हाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम पीपल के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जो लीडर है वो फॉलोअर्स के साथ वेल बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, आप उनको पनिशमेंट दे देते हो, आप उनके बोनस कट कर लेते हो, आप एब्सेंट मार्क कर देते हो, ठीक है, आपने रिट्रेचमेंट कर दी है, तो वो चीज क्या है? वो आप कंसर्न फॉर पीपल, आपका जो बिहेव है लीडर का बिहेव अपने फॉलोअर्स के साथ वो अच्छा नहीं है, तो क्या कर पाएंगे? इस एक ड्रॉबैक की वजह से जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी हाई स्किल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो डर की वजह से कोई ना कोई काम कर लेंगे, ठीक है, काम कर लेंगे, प्रोडक्शन हाई कर लेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? उनका हेल्थ इशू, मेंटल इशू कुछ ना कुछ रहेगा ना, क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स की बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट के बेस पे लीडर हाई प्रोडक्शन करवा रहा है, तो ये वाला स्टाइल भी गुड नहीं है, ये भी एक अच्छा स्टाइल हम नहीं मान सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? 9:1 के अंदर, इसके अंदर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, आपकी स्ट्रिक्ट रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर आपने बनाए हुए एज ए लीडर। क्लियर है बच्चे? कि इसके अंदर कोई भी मोटिवेशन वाला पर्सन नहीं है, इसके अंदर मॉरेलिटी को बहुत ज्यादा लो कर दिया जाता है, कोई भी आपके लीडर्स आपसे सजेशन नहीं मांगता है, ठीक है, फॉलोअर से कोई भी सजेशन नहीं मांगता है, तो अल्टीमेटली जो पीपल की परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे डाउन होती जाती है। ओके, तो दिस इज द 9:1 स्टाइल, एंड लास्ट वन है 9:9 स्टाइल, इसका अदर नेम है टीम मैनेजमेंट लीडर, एंड सेकंड वन है साउंड मैनेजमेंट लीडर। दिस इज द बेस्ट स्टाइल, ये बेस्ट स्टाइल है, इसके अंदर मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, और आपका जो कंसर्न फॉर पीपल है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, तो जब आपका बड़ा रिलैक्स है, आप अपने फॉलोअर्स के साथ भी बिल्कुल रिलैक्सफुल हो, आप उनसे सजेशंस भी मांगते हो और उनके आइडियाज को वेलकम भी करते हो, उनका पूरा ध्यान रखते हो, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप बहुत अच्छा अकाउंटेबल हो, एज ए लीडर आप अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो दिस इज द वेरी इफेक्टिव स्टाइल
बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेयर होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन भी हाई है और कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है दिस टाइम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, दिस इज साउंड मैनेजमेंट लीडर स्टाइल, दिस इज इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल एंड दिस इज बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, बट इट इज वेरी रेयर। ओके, तो क्लियर है आपको? आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इसके अंदर टीम मैनेजमेंट के फॉर्म में काम होता है, मींस लीडर एज वेल एज फॉलोअर्स पूरा टुगेदर कंबाइंडली काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही हाईली एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैनेजर ग्रिड। मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई होगी। बाकी आप मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स दीजिए, उससे मुझे समझ आएगा कि कुछ कहाँ तक आपका ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।